नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हीरो हीरो फैशन प्रो है, इसकी जो हेड होती है उसको कैसे फिट करेंगे। तो चलिए, जैसे हीरो फैशन प्रो गाड़ी है, इसको हेड कैसे फिट किया जाता है जानकारी आपको देंगे। तो जो हीरो की बाइक होती है, जैसे हीरो स्प्लेंडर हो गया, हीरो जैसे हीरो होंडा हो गया, हीरो स्प्लेंडर प्लस हो गया, प्रो हो गया, जैसे हीरो एचएफ डिलक्स हो गया, तो इन सब की इंजन सेम होती है। तो इन सब का इंजन पूरा सेम ही होता है। तो चलिए इसको बताते हैं कि इसके हेड को कैसे फिट किया जाता है। यदि आपको पूरा वीडियो इसको देखना है, पूरी इंजन की फिटिंग देखना है, तो आप हमारे जो यूट्यूब का चैनल है उसमें जो वीडियोज हैं उसमें जाकर देख सकते हैं। पूरा फुल इंजन फिटिंग हम बताए हैं, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। इसमें हम आपको पहले वीडियो बना चुके हैं पूरे फुल इंजन का। ये हेड जैसे फिट किया जाता है, इसको बस हेड बस का बताएँगे कि हीरो फैशन प्रो है, इसका हेड को कैसे फिट करेंगे। तो चलिए, ये जानकारी आपको दे रहा हूँ, चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है, कहाँ क्या लगता है, ये जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो चलिए, ये वाल स्टीम है, इसमें सबसे पहले वाल स्टीम लगाएंगे, इसको मोबिल में डालकर भिगो देंगे। पहले वाली स्टीम लगा लेंगे जो वाल की सीट है उस पर, जो वाल की सीट है उसमें सबसे पहले वाली स्टीम लगा लेंगे। सफाई का विशेष ख्याल रखेंगे, पूरे क्लीन साफ कर लेंगे। ये सूती के कपड़े साफ किया जा रहा है। ये सबसे पहले इसमें वाल स्टीम लगा लेंगे। देखिए, वाल स्टीम है ये, इसको आई सील भी बोला जाता है, वाल आई सील। इसके बाद ये वाल लगाएंगे, मोबिल पोत लेंगे वाल में, उसके बाद लगा लेंगे। ये फैशन प्रो की हेड फिटिंग किया जा रहा है। तो ये वाल लगा लेते हैं, सफाई का विशेष ख्याल रखेंगे। तो ये वाल लग गया, अब ये नीचे से कुछ सपोर्ट लगा लेंगे ताकि वाल ऊपर की तरफ रहेगा, सपोर्ट रहेगा वाल पे, ऊपर की तरफ दबेगा नहीं वाल जब लगाएंगे। तो इसमें वाशर लगा लेंगे, नीचे सबसे पहले वाशर लगा लेंगे, उसके बाद स्प्रिंग लगाएंगे। स्प्रिंग बड़ा छोटा स्प्रिंग लगेगा, और उसके बाद लॉक और उसकी टोपी। ये सूती का कपड़ा है, सूती के कपड़े से पूरा सफाई करेंगे, सफाई का विशेष ख्याल रखेंगे। ये उसकी टोपी है और ये लॉक है, अच्छे से साफ करके लगाएंगे पूरे। ये 12 नंबर का स्पेनर है, इसी के सहायता से हम लगा रहे हैं लॉक को, पेचकस की सहायता से इसे नीचे ठेल कर अच्छे से लगा लेंगे। देखिए किस तरह लगाया जा रहा है, आप चाहे तो कूलर से भी लगा सकते हैं, कूलर से भी लगता है, लेकिन ये आसान तरीका पड़ता है। ये वाशर, पहले नीचे वाशर लगा लेंगे, उसके बाद बड़ा स्प्रिंग, छोटा स्प्रिंग, और जो गजीन रहेगा वो नीचे स्प्रिंग के भाग जो गजीन रहेगा वो नीचे रहेगा, नीचे करेंगे उसको। तो ये उसकी टोपी है और ये लॉक है, दो लॉक है इसमें, और इसको बैठा देंगे। तो ये 12 नंबर का स्पैनर है, उसकी सहायता से उसे प्रेस करेंगे, उसके बाद पेचकस की सहायता से उसे लगा देंगे।
इसका फुल इंजन फिटिंग भी वीडियो बना चुके हैं, आप चाहे तो हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है साहब बंदगी ऑटो सर्विस सेंटर। ये केम शाफ्ट है, केम शाफ्ट में मोबिल को डाल लेंगे, ये बैरिंग में डाल लेंगे ताकि फ्री रहेगा दोनों तरफ। उसके बाद केम शाफ्ट को लगा देंगे। उसके बाद ये रॉकर चिड़िया है, इसको लगाएंगे। सफाई का विशेष ख्याल रखेंगे हम लोग पूरे। वास कभी भी करते हैं इंजन के फिटिंग के, तो मिट्टी के तेल से वास कर देते हैं, ब्रश से और मिट्टी के तेल से अच्छे से साफ सफाई का विशेष ख्याल रखते हैं और करते भी हैं। ये रॉकर चिड़िया लगा लेंगे, ये उसके पिनों को लगा लेंगे। इसकी जो चूड़ी रहेगी वो बाहर की तरफ रहेगा, ये चूड़ी है बाहर की तरफ रखेंगे ताकि बाद में कोई निकालने में कोई कठिनाई ना हो। किसी बोल्ट है जो 8 नंबर का होता है, उसे टाइट करके निकाल देंगे। तो एक तरफ का ये रॉकर चिड़िया और ये पिन लगा लेंगे। ये सीट पे लग रहा है, बैठा नहीं था सीधा, इसलिए चेंज करके भी देख लेंगे। सीट भी अच्छे से बैठना चाहिए, जो सीट है वाल की ऊपरी सीधा वाल की, उस पर यदि बैठे ना तो बदल देंगे। तो ये मेरा रॉकर चिड़िया लग गया, ये केम शाफ्ट लग गया। इसके बाद इसके कैप को लगा देंगे। ये छेद को साफ कर लेंगे ताकि एसी का पाइप यहाँ लगता है, इसे पेचकश डाल के छेद को साफ कर लेंगे। फूंककर भी देख लेंगे पास कर रहा है कि नहीं हवा। ये एसी का पाइप होता है, बहुत ज़रूरी होता है साफ करना। ये फुल किट आया है यहाँ पे, फुल किट पूरा इंजन बांधने के लिए। इसका वीडियो आपको देखना हो तो आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पे साहब बंदगी ऑटो सर्विस सेंटर, उस पर आपको वीडियो मिल जाएंगे हमारे देखने के लिए पूरा फुल इंजन फिटिंग का। ये पैकिंग है, इसमें मोबिल लगा लेंगे ताकि पैकिंग जो हमारा हेड होता है उसमें चिपके ना, क्योंकि हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है, चिपक जाती है तो छुड़ाने में बहुत दिक्कत होती है। इसके कैप को लगा देंगे और इसमें 8 नंबर का 2 बोल्ट है, लगा देंगे टाइट में। टाइट मेरा हो गया तो चलिए हम बता देते हैं आपको। हेड तो मेरा फाइनल हो चुका है, बता दे रहे हैं आपको क्या क्या लगा है। इसमें सबसे पहले वाल स्टीम लगेगा, उसके बाद वाल लगेगा, उसके बाद वाशर लगेगा, उसके बाद बड़ा स्प्रिंग लगेगा, छोटा स्प्रिंग लगेगा, जो गजिन रहेगा नीचे रहेगा, उसके बाद से टोपी लॉक को उसके ऊपर बैठा देंगे। उसके बाद केम साफ, उसके बाद रॉकर चिड़िया। तो ये कुछ जानकारी हम आपको दे दे रहे हैं सिलेंडर का भी और रिंग का भी। तो चलिए हम लोग बोर कराने जाते हैं निचल। बोर होकर आ गया है, 75 नंबर का बोर हुआ है। और ये रिंग है जो डालकर गैप चेक किया जा रहा है। गैप का जो रिंग का गैप होती है, वो जो शेविंग ब्लेड होता है ना दाढ़ी बनाने वाला, उसकी जो चौड़ाई होती है उतनी ही होती है, बहुत बारीक सा। ज़्यादा रहेगा तो बहुत जल्दी धुआं दे जाएगी गाड़ी, इसलिए ज़्यादा नहीं रखेंगे, बहुत।